वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज ये एक छोटा सा वीडियो है, बस एक सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सब सामने, और जब हम ये डिस्कस कर लेंगे तो आप ये जो चार्ट मैंने बना के रखा है वो आप लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। ये रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से ये वीडियो रिलेटेड है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब आप चैप्टर टू पढ़ेंगे हम, फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट एंड वेरियस अदर लॉस, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून दिए गए हैं जहाँ पे फ्रॉड के बारे में बताया गया है, उनके क्या पनिशमेंट देना चाहिए या कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे फ्रॉड की बात की गई है। तो उन सारे सेक्शंस में स्पेशली जो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शंस है जहाँ फ्रॉड की बात की गई है, वहाँ पे सेक्शन 447 आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये बेसिकली डील करता है कि अगर कोई पर्सन इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड तो सेक्शन 447 लग कर उस पर क्या पनिशमेंट दी जा सकती है उस पर्सन को जो कॉन्विक्ट हो जाता है। तो उस केस में ये सेक्शन पिक्चर में आता है, और ये सेक्शन को हम एक बार समझेंगे। बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, लेकिन जब आप एक प्लेन रीडिंग करोगे तब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए हम उसको पहले एक बार रीड कर लेंगे और देखेंगे हमारा चार्ट क्या कहता है। पहला है, देखो जब हम रीड करने जाए उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब फ्रॉड होता है ना तो बहुत सारा केसेस हो सकता है फ्रॉड, जैसे अगर ए मिस्टर ए ने फ्रॉड किया और ए और बी ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, और ए फ्रॉड निकला, उसने फ्रॉड किया तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, बी पे। वही दूसरी जगह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि मिस्टर के है, उसने एक स्कीम निकाला, एक पूलिंग ऑफ स्कीम मनी स्कीम था जहाँ पर अगर आप पैसे डालोगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, सेम जैसा फिर हेरा फेरी में बिपाशा बासु करती है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल के साथ, आप सबने वो मूवी देखी होगी। सोचो अगर मिस्टर के ने किया मिस्टर एम के साथ, ठीक है, मिस्टर एम है कोई, उसके साथ किया, और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा स्कीम में एंटर किया, उन्होंने उससे पैसे लिए, ठीक है, मिस्टर एम से पैसे लिए, मिस्टर एन से लिए, बी से लिए, ओ से लिए, बहुत सारे लोगों से मिस्टर के ने पैसे लिए। ऐसा जो स्कीम आया तो इससे पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने सत्यम का केस तो सुना ही होगा, उसमें विंडो ड्रेसिंग की गई थी बहुत अपने अकाउंट्स को लेकर। तो उस केस में जब वो फ्रॉड सामने आया ना तो वो इन्वॉल्व कर रहा था पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब जनहित में, लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ था उस चीज़ से, हैम्पर हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा था। तो वो चीज़ों को लेकर फ्रॉड को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो किसी सिंगल पर्सन या छोटी सी ग्रुप ऑफ पर्सन को अफेक्ट करे, या फिर पब्लिक एट लार्ज या कोई कम्युनिटी को अफेक्ट करे, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी उसका उसकी जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन, नहीं सेक्शन देखने से पहले हम करते हैं चार्ट क्या कहता है। उसमें एक लिमिट दी गई है, हाँ ये है आपके सामने चार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला चार्ट आपको ध्यान देना है। सेक्शन 447 कहता है कि अगर आपका 1% ऑफ टर्नओवर, मतलब जो फ्रॉड है, जो फ्रॉड सबके सामने पहुंचा निकल कर आया है, उस फ्रॉड का अमाउंट अगर 1% ऑफ टर्नओवर, फॉर एग्जांपल आपका 100 लाख का टर्नओवर था, उसका 1% मतलब अगर 1 लाख का भी फ्रॉड है, या फिर 10 लाख विच एवर इज लेस, मतलब 10 लाख या 1 लाख कौन सा लेस हुआ, 1 लाख, और अगर हम इसको कर दें 100 करोड़ तो इसमें कौन सा कम होगा, 1 करोड़। तो 1 करोड़ और 10 लाख विच एवर इज लोअर, मतलब 10 लाख का भी अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है, अमाउंट इन्वॉल्व थी उस फ्रॉड में, तो ये सेक्शन पिक्चर में आ जाएगा, उसकी ये पनिशमेंट लगेगी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अमाउंट इन्वॉल्व था या अमाउंट इन्वॉल्व नहीं था। पहले हम देखते हैं अमाउंट इन्वॉल्व था, ठीक है, हम कहते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और अमाउंट उतना इन्वॉल्व था, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी।
अभी ये चीज को ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है? एक सेकंड, ये चीज आपको ध्यान नहीं देनी है। अभी हम देखते हैं, अगर आपका 1% ऑफ टर्नओवर का जो लिमिट था, जो हमने ऑलरेडी देखा है 1% ऑफ टर्नओवर या फिर 10 लाख रुपए, अगर इन दोनों में से लोअर का जो लिमिट आता है और वो आपने सेटिस्फाई कर लिया, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, आपके फ्रॉड का अमाउंट इतना था, तो आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, जेल कितनी हो सकती है, 6 महीने से लेकर 10 साल तक। और आपको पता होगा कि सेक्शन 447 किस पे लगता है, सीएस पे भी लगता है, सीए पे भी लगता है, सीए सीएमए पे भी लगता है। इसलिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, और इस सेक्शन से लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत डरते हैं, ठीक है? आप ये तो आपने तो ये समझ ही लिया कि 6 महीने ऑफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सजा। और दूसरा है कंडीशन, अब अमाउंट ऑफ पेनल्टी, फाइन कितनी लग सकती, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितना अमाउंट हमने इन्वॉल्व था उस फ्रॉड में उतना, या मतलब फॉर एग्जाम्पल अमाउंट था समझो 1 लाख रुपए, ठीक है? तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का आप पर जुर्माना लग सकता है। अगर अमाउंट था 10 करोड़, तो 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक भी वो जुर्माना जा सकता है, ठीक है? ये हमने समझ लिया कि हमारे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तब क्या होगा। इसको अभी हम एक पॉज देंगे। अब हम दूसरे एक सिचुएशन पे चलेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि या तो एक ग्रुप हो सकता है, या एक इंडिविजुअल हो सकती है, या फिर पब्लिक हो सकती है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है, सेक्शन 447 में आपने जो फ्रॉड किया उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, दो केसेस हो सकते हैं। अगर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पॉज लिया था, तो अगर वो लिमिट नहीं हुई है टच और पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है तो क्या होगा, वो आपके सामने है। ये है आपके सामने, ये अमाउंट 50 लाख तक का हो, फाइन लग सकता है, 5 साल तक की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। आपने आपको तो ये समझ ही आता होगा कि और मतलब ये है कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ये हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में, ये तो अलग ही कहानी है पूरी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 447। तो ये तो हो गया, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है मैम, इसमें इतना टच भी नहीं हुआ था जो हमारी लिमिट थी, ठीक है, 1% ऑफ टर्नओवर या 10 लाख रुपए। तो फाइन कितना लगेगा, मैक्सिमम 50 लाख, 5 साल की सजा भी हो सकती है, 5 साल तक की सजा, और या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। अब मैम ये बताओ कि अगर ये लिमिट भी टच हो जाए और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो, तब हम क्या करेंगे, वो है आपके सामने। तब बस एक चेंजेस आएगा, एक चेंज पहुंचेगा कि ये जो अमाउंट था ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब, इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट होना है तो 6 महीने की जगह यहाँ 6 महीना नहीं होगा, ये होगा, सॉरी, ये होगा 3 साल, 3 साल से लेकर 10 साल तक, मतलब मिनिमम आपको सजा 3 साल की और मैक्सिमम सजा 10 साल तक का मिल सकता है। तो सोचो आप ये कितना सीरियस और कितना ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का। फिर एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं, अगर हमारा कंपनीज एक्ट में फ्रॉड होता है और वो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, और ये जो हमारी लिमिट है 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख रुपए, वो भी टच होती है, तो हमारा बस एक चेंज होगा कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट का पीरियड 3 साल से लेकर 10 साल हो जाएगा, और जो मैक्सिमम और सॉरी और जो फाइन है वो अमाउंट ऑफ फ्रॉड और 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, विच एवर इज, मतलब इसके बीच में, ये बेसिकली एक रेंज है कि एक्स और 3 टाइम्स ऑफ एक्स जो भी अमाउंट आएगा उसके बीच में आप पेनल्टी लेवी कर सकते हो, ठीक है। फिर अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और मैम फिर आप एक बार फिर से बता दो कि अगर ये अमाउंट भी टच ना हो और ये डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट हो, तब क्या होगा, 50 लाख मैक्सिमम, 5 लाख, 5 साल की सजा, या दोनों, ठीक है।
अब मैम ये बताओ कि अगर देखो पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं हो उस केस में, लेकिन लिमिट टच हो जाए, आपने कहा था इसमें नहीं होगी तब यहाँ चले जाएंगे, अगर इसमें होगी तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ मैम कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है सिचुएशन, वो अफेक्ट नहीं कर रही है, और ये लिमिट भी लिमिट अफेक्ट कर रहा है, लेकिन तो हम यहाँ आएंगे और उसकी सज़ा कितनी साल की हो जाएगी, 6 महीने से लेकर 10 साल। ये चीज़ ध्यान देने के, जब हम थ्योरी इसका पूरा एक पढ़ते हैं तो उसमें हमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार आप इस चार्ट को लिख लो, ठीक है। एक बार आप इसे कॉपी कर लो, मैं जैसे जूम कर लूंगी तो फिर आप पॉज कर लेना, ये सब फिगर्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। पहला है ये सेक्शन लिख लो, और 1% ऑफ टर्नओवर या 10 लाख, यस नो, इम्प्रिजनमेंट 6 साल से लेकर 10 साल, और फाइन अमाउंट इन्वॉल्व या 3 टाइम्स। अगर ये दोनों ही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये लिख लो पॉज करके, ठीक है, पॉज करके आपने लिख लिया होगा आई सपोज, और ये एक और सिचुएशन आ सकती है। अगर ये पूरे चार्ट को एक बार पूरी तरीके से देख लो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर हम लोग ये पूरा पैराग्राफ आता है, और फिर अब पब्लिक इंटरेस्ट है तो बस एक चेंज आएगा कि यहाँ मिनिमम 3 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है। फिर हम देखते हैं एक बार हमारा बेड टेक्स्ट क्या कहता है इस बारे में, आपके सामने ये बेड टेक्स्ट है, यह कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू एनी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट अंडर दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी, मतलब वो उसने फ्रॉड कमिट किया है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है और उसमें देखो यहाँ पे दी गई इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपए और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी व्हिच इज लोअर, हमने ये चार्ट में देखा 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी व्हिच इज लोअर शैल बी पनिशेबल विद अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स से 10 साल, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, और पेनल्टी कितना, फाइन कितना लगेगा, अमाउंट इन्वॉल्व विच में एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब x to 3x, और इम्प्रिजनमेंट कितना, 6 महीने से लेकर 10 साल तक। फिर यहाँ प्रोवाइजो में क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये जो टर्म होगा फ्रॉड इम्प्रिजनमेंट का, वो बस 6 महीने की जगह, इसे बस ये ऐसे हो जाएगा, ये 6 महीने की जगह यहाँ पे 3 ईयर्स हो जाएगा, बस ये एक चेंज होगा जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, और जहाँ पे ना पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना ही वो एक वो जो लिमिट थी हमारी 10 लाख या 1%, दोनों को भी टच ना करे, तब क्या होगा, 5 साल तक की सज़ा या 50 लाख रुपए तक का फाइन या बोथ, ठीक। ये फिर एक्सप्लेनेशन है क्या है फ्रॉड क्या नहीं है फ्रॉड, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसका फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पूरा डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, और बस इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर, एंड सेकेंडली आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप, अगर अब तक आपने नहीं किया है, और ये ग्रुप सभी लेवल्स के लिए है, अलग अलग लेवल्स के बच्चों के लिए है, ठीक है, CS के हर लेवल के बच्चों के लिए, और सेकेंडली आप अगर CSET में अपेयर आपके या आपके कोई फ्रेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोज़ हमारे फैकल्टी बहुत मेहनत करती है इसके पीछे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़, बाय बाय।